अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीब और आप लोग देख रहे हैं एमएनबी अनबॉक्सिंग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पबजी के ऊपर। सो आप में से काफ़ी लोग खेलते होंगे पबजी, और मैं भी एक पबजी खेलता हूँ और उसके फ़ैन होने के नाते वहाँ पबजी खेलते हुए काफ़ी मुश्किल होती हैं। जब कोई अगर आप पे फायरिंग कर रहा है तो अगर आप एम रखते हैं तो पीछे से कोई फायर कर देता है, इससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एम रखने का, और जब गोली चलाते हैं तब भी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दूर होते हैं बटन, जिसकी वजह से गोलियाँ चलाने में मुश्किल होती है। तो उसके लिए बेटर सोल्यूशन जो है वो है ये छोटा सा गैजेट जो कि ट्रिगर कहते हैं जिसको, और इसकी मदद से आपको गेमिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं इसको खोल के। तो चलिए इसको अब अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो अनबॉक्स करने पे आप देख सकते हैं ये इसका पैकेट्स है, डब्बा है, और इसके अंदर ये दो कंट्रोलर मौजूद हैं। तो चलिए अब इसका मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि इसको इसके साथ लगाना है कैसे और ये वर्क कैसे करेगा। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो ट्रिगर लगाने के लिए आपको एक ट्रिगर इधर लगेगा और इधर, और ट्रिगर को ऐसे लगाना है कि ये देखें तरीका इसका, ये इसको यूं करके इसको आप लगा दें एक, और ये एक यहाँ पे लगेगा। इसमें कोई राइट लेफ्ट का इतना नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है ये पिन सा ये आ गया है, और ये कुछ यूं लगेगा जब लग जाएगा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम पबजी का स्टार्टअप करते हैं। तो चलिए अब पबजी ऑन करते हैं और ये आप देख सकते हैं मेरी पबजी जो गेम है वो ऑन हो गई है, और ये देखें और ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगी। तो ये अबाउट $1 to $2 की आपको ईजिली मिल जाएगी अमेज़ोन वगैरह से भी, और मैंने तो मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो मैंने इसको दराज से किया है जो कि मुझे पड़ी है आफ्टर डिलीवरी 300 की, तो है तो ये अबाउट 200 के करीब करीब ही है। तो चलिए जल्दी से हम गेम ऑन कर लेते हैं। आपको इसको स्टार्ट करने के लिए इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नीचे, तो इसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखें एक कंट्रोल्स का यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन, इसको आप क्लिक कर लेंगे कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको दबाएँ, और ये यहाँ पर आप आ जाएंगे एक ऐसे कुछ मेन्यू में। तो अब जो भी आपको करना है वो यहाँ से करना है, मैंने तो वैसे ऑलरेडी कर लिया है, जो फायर का बटन है मैंने वो इधर कर दिया है इसके ऊपर, और जो एम का बटन है वो मैंने इधर कर दिया है, और यहाँ से इसको सेव कर दिया है। और अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पे रीसेट का भी बटन है और एग्ज़िट का भी बटन है। अभी मैं एग्ज़िट करता हूँ और आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से गेम लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी गेम स्टार्ट होगी, और अब आपको मैं थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ इसका। जल्दी से हम यहाँ से उतरते हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी लैंड कर जाएं, ये आप रिलीज़ कर सकते हैं इसके साथ इस बटन से। देख लें कि मेरे जो बटन्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं, मेरे मैंने जो कंट्रोल्स रखे हुए हैं आप इसके मुताबिक भी कर सकते हैं, या अपनी आपकी मर्ज़ी जैसे आपने चाहें जहाँ मर्ज़ी इसको आप कर सकते हैं बटन्स को कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाके। तो अच्छा अब हम इसको यूज़ बटन्स करने के लिए हम कोई गन उठा लेते हैं एम शॉट ताकि रख सकें, और आपको बाकी मैं आपको इसके फंक्शन दिखा सकूं। देखिए मैं यहाँ पे एक लैंड कर रहा हूँ, और वो देखें एक बंदा है, इसे मैं मार देते हैं। तो चलिए अब आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, ये भाग रहा है यहाँ से मुझे मारना दे, इससे पहले इसे मुझे मारना है। देख सकते हैं ये मैं बटन दबा रहा हूँ तो ये कितना आसानी से इसको मैं मार पा रहा हूँ, ये मार ही गया तकरीबन। Thank you.